हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज 30 सितंबर 2021 को मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आज भी कल ही की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं और मिड कैप ने आज भी आउट परफॉर्म किया है इन तीनों इंडेक्स के मुकाबले। कल भी मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और आज भी इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था मार्केट का अपडेट। अब बात कर लेते हैं उन तीन शेयर्स की जिनको आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो देखते हैं आज का पहला शेयर कौन सा है। आज का हमारा पहला शेयर है, उसका नाम है नेलकास लिमिटेड। इसको बाय करने की रेंज होगी 86-87 के बीच में और इसके टारगेट होंगे 93-99 और 108 के। आपको इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जो कि होगा 81 रुपीज़ का। इसको होल्डिंग टाइम होगा, इसका होल्ड करने का जो टाइम होगा वो होगा 1 से 5 वीक का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आप इसको चार्ट पे देख लेते हैं। ये फ्रेंड नेलकास का चार्ट है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न का इसने आज ब्रेकआउट दिया है। तो हम इस ब्रेकआउट के आसपास इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि 90 रुपीज़ का है तो उसका मतलब होगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे रहा है, तब इसमें और भी तेज़ी बनेगी, उसके टारगेट फिर और बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे नेकलाइन जहाँ पे इसकी आज ब्रेक हुई है 87, इसके आसपास कहीं पे इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं और हमारे जो टारगेट बनेंगे वे होंगे 93-99 के। और अगर ये यहाँ सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता तो और भी बड़े टारगेट निकलेंगे जो कि 115 के आसपास होंगे इसके। ठीक है फ्रेंड, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जो कि होगा 81 रुपये 45 पैसे के आसपास। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है। आज जो हम दूसरा शेयर आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसका शॉर्ट फॉर्म है GRSE। इसको बाय करने की रेंज होगी 193-194 के बीच में, और इसमें जो टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं वे होंगे 200, 208 और 216 के। 187 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है और इसको 1 से 4 वीक के लिए होल्ड करना है मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आप GRSE को देख लेते हैं चार्ट पे। ये मैंने GRSE का चार्ट खोल लिया है, इसमें भी सिमिलर सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप की फॉर्मेशन बन रही है, और आज इसने क्या किया है अपनी कैंडल जो इसकी आज की कैंडल है वे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 20 EMA और 200 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें भी एक बाय किया जा सकता है क्योंकि कल भी इसमें एक बुलिश कैंडल थी, आज भी बुलिश कैंडल है जिसकी क्लोजिंग कल से काफ़ी ऊपर है, तो इसमें भी एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। और इसमें हम लोग एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 187 का, और इसमें जो टारगेट बनेंगे आने वाले दिनों में वे होंगे 200, 208 और 216। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इस शेयर को भी अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तो जैसे ही लेवल्स आते हैं और या फिर ये ब्रेकआउट देता है इस ट्रायंगल का तो आप इसमें एक पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं बाइंग की साइड में। तो चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं आज का हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा आखिरी स्टॉक है, उसका नाम है शिल्पा मेडिकेयर। इसको बाय करने की रेंज होगी 552-553 के बीच में, और इसके जो टारगेट बनेंगे वे होंगे 575-592 और 608 के। और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है उसकी वैल्यू है 538 रुपये की, और इसको होल्ड करने का टाइम भी सेम ही है GRSE की तरह 1 से 4 वीक। तो चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं शिल्पा मेडिकेयर को चार्ट पे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने शिल्पा मेडिकेयर का चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। इसमें देखिए ये लगातार इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है जो कि है 538 से 535 की रेंज। तो इसने पहली बार यहाँ सपोर्ट लिया था जुलाई में, फिर अगस्त में इसने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, अभी ये सितंबर एंड में यानी कि 2-3 दिन पहले फिर से इस जोन में आया था और यहीं से ये एक बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। तो आज दो दिन की इसमें देखो बढ़त दिख रही है, कल भी इसमें अच्छी खरीदारी आई थी, आज भी इसमें अच्छी खरीदारी आई है। आज इसका जो क्लोजिंग है वो अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है आज इसमें, तो हम लोग इसमें भी एक बाइंग पोजिशन बना सकते हैं और हमारा एक स्टॉप लॉस होगा 538 का, और जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वे होंगे 575, 592 और 608। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इन तीनों शेयर्स को अपनी लिस्ट में ऐड करना है, तो जब भी इनके लेवल्स आएँ तो आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।